मुंडा न्यूज चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया। तमाम दोस्तों साथियों का जो आज लेजेंडरी लेजेंड दादा साहब फाल्के अवार्ड में यहाँ पर आए हैं, आप सबको बहुत बहुत मुबारक है। जिनको अवार्ड मिला उनको बहुत मुबारक हो और जिनको नहीं मिला उनको देख लो क्या करना है। जिनको भी मुबारकबाद, अवार्ड के साथ रहना है या कल हॉस्पिटल के ए वार्ड के साथ रहना है। ये हमारे दिलीप जी हैं, बहुत ही प्यारे संगीतकार हैं, जबरदस्त संगीतकार हैं, लेकिन अब इन्होंने एक्टिंग में भी शुरुआत कर ली है। हमारी आने वाली फिल्म लॉकडाउन टू अनलॉक एक फिल्म मैंने बनाई है आपके आशीर्वाद से, हम सब बनाई है, उसमें गुरु जी ने बहुत अच्छा रोल किया है, जोरदार तालियां। और बाकी तो मैं यही कहूंगा कि कितना समय है, 5 मिनट है, 5 मिनट आपके समय सर पूरा समय आपका है। अरे वाह, आपने अच्छा हुआ उनको माइक दे दिया तो उन्होंने बहुत सभ्य गाना गाया। अगर गुरुजी को दे दिया तो गाते रहे, होठों पे बस तेरा नाम है, मुझे चाहता है, मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हूँ मैं, सुबह शाम जानम, I love you, you love me। मतलब इनका भी गाना खुद से गा लेते हैं। अभी कोरोना चल रहा है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ताली बजा दीजिए, मूड में आ जाइए। 5 मिनट अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ में हूँ। जिनको अवार्ड मिला कोई उनको मुबारक, जिनको नहीं मिला अगले साल मिलेगा, कोई बात नहीं। ये अवार्ड का चक्र जो है घूमता फिरता आ ही जाता अपने पास में, और दादा साहब फाल्के साहब का आशीर्वाद हम सब कलाकारों के साथ में हमेशा है। बॉलीवुड अब बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब तो यूपी में भी यूपी वुड शुरू हो गया है और उसके लिए एक अलग से कुछ हुड़ हुड़ शुरू चल रहा है, लेकिन उस पर भी गुजारा नहीं है क्योंकि वो कलाकारों के फायदे के लिए हो रहा है, जहां भी हो रहा है अच्छा है, कलाकारों के फायदे के लिए हो रहा है। तो इस अवार्ड फंक्शन में गुरुदेव आज मोदी जी आते, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, और हम सबको शुभकामनाएं देते, तो कैसे देते वो गौर सुनिए। मित्र, आज मैं प्रधानमंत्री होने के नाते दादा साहब फाल्के जी का आशीर्वाद लेने आने वाला था मेयर हॉल में, क्योंकि मेयर भी सरकारी आदमी होता है। मित्रों, इस साल नहीं आया तो कोई बात नहीं, मित्रों मत रो, अगले साल आऊंगा वाया मेट्रो और आप सबको एक पार्टी दूंगा और उस पार्टी का नाम होगा भारतीय जनता पार्टी। हमारे मोदी जी के, मोदी जी का छोटा भाई और हम सबका मोटा भाई यहाँ आ जाए तो कैसे शुभकामना देंगे। भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण समर्थन आज की सभा को है, क्योंकि दादा साहब फाल्के ने इंडस्ट्री को काम देने का कार्य किया है। ये फिल्म इंडस्ट्री के मार्गदर्शक है, जैसे हमारे मार्गदर्शक आडवाणी जी, उनका आशीर्वाद हमारे साथ में रहेगा। जिन जिनको ये अवार्ड मिला है हम शुभकामना देते हैं, क्योंकि वो मेरे घर के लोग हैं, मैं गृहमंत्री हूं, लेकिन मास्क लगा के रहिए, कानून का पालन कीजिए, जो कानून का पालन नहीं करेगा कानून तोड़ेगा, फिर कानून उसको तोड़ेगा। बाबा रामदेव यहां पहुंच चुके हैं, हो सकता है कि अभी योगा भी बोले। मास्क लगा के जो लड़कियां जा रही है ना, मां कसम कितनी सुंदर लड़कियां, लेकिन मुंह पे मास्क, इसको देखा मैंने, सुंदर मास्क लगा के घूम रही है, तो इसके चक्कर में गड़बड़ हो रहा है। लड़कियां जो है मास्क लगा के चल रही है और सामने वाला रोमांटिक हो जाता है, आपकी तरह आपकी चेहरे सर रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, जलवा
फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। उसने मास्क लगाया वो छक्का था। कुतरा बाप नहीं बैठा देगा मुझसे उम्मीद कर रहे। अच्छा मास्क का मैंने फुल फॉर्म ढूंढ लिया MASK मेरा आपका सुरक्षा कवच मास्क। अगर मास्क लगाओगे तो आप फाइन, नहीं लगाओगे तो पुलिस का फाइन। मास्क लगाना भी आजकल है 200 में छूटोगे आप 200 में। हाँ दोनों में 200। तो मास्क लगाइए क्योंकि मास्क लगाने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मास्क आपको कभी बीमार नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि मास्क में ही माँ है, माँ का नाम मास्क, माँ उसमें शामिल है। जिसके अंदर माँ का नाम शामिल हो उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। मास्क जो है लगा के रखिए, जितने लोगों ने नहीं लगाया अब उनके जेब में 200 रुपए होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी हिंदुस्तान में कोरोना जा क्यों नहीं रहा है, मैंने इसका रिसर्च किया, गौर से सुनिएगा। हम सब लोग अलग अलग प्रांतों से आते हैं, कोरोना का कोई सही नाम नहीं दे पा रहा। चार भाभियां बैठी हुई थी, एक यूपी की कहती है ए भाव जी ये कोरोना क्यों नहीं भाई कोरोना, ध्यान देती अरे कोरोना है कोरोना, एक पंजाब थी कोरोना है कोरोना कोरोना, एक पंडित बैठी थी करुणा है ये तो करुणा है कोरोना। वहां बेटा सोच रहा कहां फंस गया, यहां लोगों ने तो विचार मिले ना उपचार मिल रहे, इससे पहले आ जाए वैक्सीन मिले तो वैक्सीन। तो हमारे देश में ये सब चीजें हो रही है, आप सबको अवार्ड मिल रहे हैं, जिनको नहीं मिल रहा है जिनको मिल रहा है सबको शुभकामनाएं देता हूँ। जाने से पहले दो चार कलाकार की आवाज सुना देता हूँ, जो आप जिनके जिनके आप जिनको आप जिनकी आवाज सुनना चाहते हैं आप। हाँ कर देता हूँ फरमाइश, जो मोबाइल बज रहे हैं जिनके थोड़ा साइलेंट पे कर लीजिए, क्योंकि शब्दों पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो बड़ा थोड़ा सा मजा किरकिरा हो जाएगा। अभी ये रोहित प्यारे बड़ा अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा एंकर है, जबरदस्त एंकर है, ऐसा उसका खुद का मानना है, पर आप हम भी मानने लगे काम देकर। बड़ा अच्छा इंसान है रोहित, तुम्हें देखिए शेर याद आ रहा है, जहां तुझे कांटे मिले वहां फूल हो जाऊंगा, जहां तुझे कांटे मिले वहां फूल हो जाऊंगा, और जहां तुझे चांटे मिले वहां गुल हो जाऊंगा। और अभी दिलीप साहब ने उस लड़की को देखे शेर का कि बड़ी फुर्सत से तुझे रब ने बनाया है, बड़ी फुर्सत से तुझे रब ने बनाया है, यही बोल बोल के तुझे सब ने बनाया है। और ये जुल्फ है तुम्हारी ये रेशम का जाल, ये जुल्फ है तुम्हारी ये रेशम का जाल, जिसमें जू बन के फंसा हुआ है सुनहरी बाल। आज तक नहीं जल्दी भाई, अच्छा मुझे चाटे में तो खुलो जाओ। हाँ अरे एक शेर और भी है, मैंने तुझे खरीद के दिया 2 BHK। वाह लड़की को देखो भाव कितने बढ़ रहे। मैंने तुझे खरीद के शबीर भाई, ये शबीर भाई की जोरदार तालियां मेरे नीचे, क्या बात है शबीर भाई, सुपर शबीर भाई, बहुत प्यारे इंसान है। इनका सिखाया शेर है कि मैंने तुझे खरीद के दिया 2 BHK, उससे भी कम था कि 2 BHK। और शबीर भाई आपका एक और शेर सुना देता हूँ कि तेरे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया, तेरे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया, जिस दुकान का मालिक था उसी में पगार पे आ गया। जोरदार तालियां। देखो मेरे प्रोग्राम को जो खुल के एंजॉय नहीं करता उसके पड़ोसी को कोरोना होता है। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग सब खुश रहिए आबाद रहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये साल तो हमारा जरा गड़बड़ गया, अगला साल 2021 थोड़ा रोमांटिक होगा, नाम में ही 21 है तो प्यार मोहब्बत वाला होगा। 21 हाँ 21 है, दो चार Dum 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 d
भूल जाते भूल कदमों में तेरे भूल भूलता भूलता कि मैं सिखाऊंगा ये तो बहुत कमाल है ना मोंटर न्यूज़ चैनल आए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया।